शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीते कई महीनों से लॉकडाउन और बार बार बंद की मार झेल रहे होटल और ढाबा चालकों ने मंगलवार को तहसीलदार राजेश वजीरे को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में होटल, बार, ढाबे सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुले रहने की मांग की गई है। लगातार जारी बंद की स्थिति से लगभग हर व्यवसाय आर्थिक दुर्गति का शिकार ही हो चुका है। होटल, बार, ढाबा आदि व्यवसाय भी इससे अछूते नहीं। ऐसे में मंगलवार को होटल, बार और ढाबा व्यवसायिकों ने दिग्रस तहसील के रुख करते हुए तहसीलदार राजेश वजीरे को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के होटल, ढाबा चालक आदि उपस्थित थे। इन व्यवसायिकों के मुताबिक उन्हें प्रशासन ने शाम 5 बजे तक पार्सल सुविधा मुहैया कराई, लेकिन दिग्रस शहर ग्रामीण क्षेत्र में आने की वजह से यहां के होटल और ढाबों पर पार्सल की मांग के लिए आने वाले ग्राहक अत्यल्प है। पार्सल सुविधा कारोबार के लिहाज से फायदेमंद साबित नहीं हो सकी। मालूम हो कि लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहने और बार बार बंद की नौबत की वजह से बार, होटल और ढाबा चालकों के धंधा चौपट हो चुका है। उनके होटल, बार और ढाबे पर काम करने वाले कारागीर और मजदूर भी इन दिनों बेरोजगारी का शिकार है। ऐसे में होटल, बार आदि व्यवसाय को सुबह 9 से रात 10 बजे तक शुरू रखने की अनुमति के लिए की गई मांग जायज है। इस संदर्भ में होटल, ढाबा चालकों ने अपनी समस्याओं और मांगों के बारे में जानकारी दी। हमने आज दिनांक 25/7/2020 ला माननीय तहसीलदार साहब यांना निवेदन दिले की आमचे हॉटेल रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू करण्यात यावे, यासाठी आम्ही सगळा हॉटेल व्यावसायिक मालक इथे आलेला आहे। जागतिक जे महामारी आहे कोविड-19 त्याचा प्रभाव संपूर्ण जगात आहे, त्याचप्रमाणे आम्ही जे शासनाने आम्हाला निर्देश दिलेले आहे हॉटेल व्यावसायिकांना सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जी पार्सल सुविधा दिलेली आहे त्याचे आम्ही करकोट कळ्या पालन करून राहिलेलं आहे। परंतु शहरा ग्रामीण भागात असल्याच्यानं इकडं शहर हे ग्रामीणमध्ये मोडल्यामुळे इथे काही पार्सल सुविधाचा कोणत्याही प्रकारचा आम्हाला रिस्पॉन्स मिळाला नाही, त्यामुळे आम्ही माननीय तहसीलदार साहेब यांना आज निवेदन दिले की सकाळी 9 ते संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत आम्हाला हॉटेल व्यवसाय आम्हाला चालू करण्याची परमिशन देण्यात यावी, कारण याच्यामुळे आमचा स्वतःवर तर महामारीमुळे तर आम्ही परेशान आहेत, भुकेमुळे आज आमचे कामगारावरही परेशान आहे, मजुरी आम्हाला घरून द्यावी लागते, त्या सर्वांचा विचार करून आम्ही साहेबांना आज निवेदन दिले। कोरोना संक्रमण के चलते हर छोटे बड़े व्यवसायी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में होटल, बार और ढाबा आदि व्यवसाय के जरिए अपना गुजर बसर करने वाले होटल चालकों सहित कामगारों के परिवारों का बड़ा तबका इन व्यवसाय पर निर्भर है, जिन्हें दो वक्त के रोटी के लिए हाथ में काम की जरूरत है। देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन इस ज्ञापन में उठाई गई मांगों को लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।